क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज से बनी हुई थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी, मिट्टी से बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई थी, या लकड़ी से बनी हुई थी? तो हमारा सही जवाब है सेलखड़ी से। बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कालीबंगा, हरियाणा, दिल्ली? तो हमारा सही जवाब है हरियाणा। लोथल, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मुंबई, पाकिस्तान, बिहार? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर फोर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? चीन की, मेसोपोटामिया की, पाकिस्तान की, या कांस्य युग की? तो यह थी कांस्य युग की, सॉरी, यह थी कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, या मोहनजोदड़ो? हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा नगर था हमारा मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ऑप्शन है मूर्तिकला, स्थापत्य कला, नगर योजना, या शहरी सभ्यता? तो इसका होगा हमारा नगर योजना या वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर सिक्स का, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगरपालिका जैसा, गृहस्थ जैसा, प्राकृतिक जैसा, या शहरी सभ्यता जैसा? तो इसका आंसर होगा यह नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली? 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, या 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, या 2100 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व? तो इसका आंसर हमारा होगा थर्ड नंबर, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व मध्य। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से, चहुंदड़ो से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से? तो हमारा आंसर होगा थर्ड नंबर, लोथल। किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? धौलावीरा, बनावली, रोपण, या मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो से मिला था सूती कपड़े का साक्ष्य। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मराठी, गुजराती, सिंधी, या पंजाबी? तो इसका आंसर होगा सिंधी, या सिंधी भाषा का शब्द था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? चौंदड़ो, रंगरूप, हड़प्पा, लोथल? तो हमारा बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से? तो आंसर होगा हमारा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, बहुदेववादी, या पुत्रवंशिकता? तो इसका आंसर होगा हमारा मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, या घनाकार? तो यह था त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार। किस स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, या राखीगढ़ी? तो राखीगढ़ी में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी? रोपण और कालीबंगा, दूसरा मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, तीसरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौथा था हड़प्पा और लोथल? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किस स्थल में राजतंत्र की तरह खेल का प्रमाण मिले?
कालीबंगा, लोथल, बनावली या हड़प्पा। तो इसका हो जाएगा का लोथल, राजतंत्र की तरह खेल के प्रमाण मिले थे लोथल में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का टीला, मृतकों का टीला, मिट्टियों का टीला या पत्थरों का टीला। तो हमारा आंसर होगा ये, मृतकों का टीला। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी, बी के थापड़, आर एस बेस्ट या अलेक्जेंडर कनिंगम। तो आंसर होगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंगम। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई? तो यह होगा आंसर हमारा हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगा या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा हमारा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन थे? हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या चौंदड़ो। तो यह हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चौंदड़ो का उत्पादन केंद्र था, चौंदड़ो का उत्पादन केंद्र था मनके बनाने का, कपड़े बनाने का, घर बनाने का या बर्तन बनाने का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये मनके बनाने का। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से, कालीबंगा से, रोपण से या धौलावीरा से। तो यह हमारा हल का प्रमाण मिला था कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरीय सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो आंसर हो जाएगा हमारा नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब मिली? 1922, 1921, 1935 या 1951 में। तो इसकी जानकारी मिली थी हमें 1921 में। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन का, आभूषण व मनकों को तौलने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? बाट का, मिट्टी का प्रयोग या लोहे का या पानी का प्रयोग। तो बाट का प्रयोग किया जाता था आभूषण को तौलने के लिए। बाट किस चीज से बना होता था? मिट्टी से, पत्थर से, चक नामक पत्थर से या तांबे से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चक नामक पत्थर से।